अभी से योग विद्या जो हमारे पहले गुरुकुल में सिखाया जाता था, यही गुरुकुल में कलयुग में मैंने गुरुकुल को सादा जीवन उच्च विचार गुरुकुल में मैं आपको योग विद्या सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोग सोचे कि हम लोग पढ़ रहे थे किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे किसके लिए कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कढ़ाई चढ़ाई ये बच्चा हम चार को चीज जो बता रहे हैं। चढ़ाई का मतलब कि किसी बॉर्डर से लड़ना है, किसी आदमी के मरना है, तो कलम में ऐसी शक्ति है कि किसी को हम जान से मार सकते हैं, कलम से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। कलम में ताकत है, कलम चलावा राज चलावान हमारे नीतीश बाबू का लोकोक्ति थी। इसमें तो मैं जाहिर करूंगा परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा दिए थे वचन, कलम चलावन राज चलावन, कलम से राज चल सकता है। कोर्ट दो तरह के होते हैं, हाई कोर्ट एंड लाठी कोर्ट। हाई कोर्ट में दम ज्यादा है, लाठी लाठी के बदौलत है, लेकिन ये चीन का मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम कमाई किस लिए करेंगे, पढ़ रहे हैं लिखना मकान बनाना करोड़पति अरबपति असर इन्हें ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेन दौलत है हेल्थ, एच ई ए एल टी एच, जो बच्चा हेल्थ मैंने स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज डब्ल्यू ई ए एल टी एच, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। तो स्वास्थ्य में सबसे पहले हमें सबसे पहले एक बड़ा युक्ति सोचा कि आयुर्वेदिक दवा है, होम्योपैथिक दवा है, एलोपैथिक बहुत से दवाइयां हम अस्त व्यस्त है, लेकिन एक योग विद्या ऐसी ताकत है कि इसके बदौलत हम पूरा रोग को हिला सकते हैं। जैसे अभी कोरोना कोविड 19 के बदौलत हम लोग बहुत तबाह है, तो इस कैसे हटेगा बच्चा, एक आयोम व्योम है, आयोम व्योम के सबसे पहले एक गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तस्यां तोभ्रेण्यं भर्गो देवा धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्यां तोभ्रेण्यं भर्गो देवा धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चा ओ के बहाने हम इतना कागज से हवा को तीरेंगे, ओ यहाँ से जितना हमारे पेट में जो ताकत है उसको टोटल हम तीरेंगे, ओ तीर लिए तीरना और खींचना, ये गायत्री मंत्र है, इसको आयोम और व्योम कहते हैं। ये व्यायाम बेटा आयोम और व्योम, सबसे पहला व्यायाम बता रहा है बेटा आयोम और व्योम। अब इस सर्दी के मौसम में इन विंटर सीजन इज हॉटेस्ट, बहुत कड़ा है ये विंटर सीजन में, बच्चा सबसे पहले खांसी होती है, ताज कहता कोरोना, अरे को मने कोई नहीं, अरे रो मने रोड पर,
तो कोरोना का तो दवा इसी खत्म हो गया, को माने कोई नहीं, कोरोना को का मतलब है कोई नहीं, और रो माने रोड पर, रो माने रोड पर, कोरोना ना माने ना निकालिए ना। तो आप लोग मैं करता हूँ कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं, गुरु का अर्थ है, गु के मतलब अंधारा, रू के मतलब प्रकाश, हम सलाई के काम करते हैं, सलाई करोड़ रुपया बिल्डिंग इतना है, ये बिल्डिंग है, ये महान अरबपति खरबपति बिल्डिंग है, इसमें एक रुपया के चूहा के दावा खा ढंग जाइएगा, इस सलाई में तुरंत भर दीजिएगा, ये नक्शा खराब हो जाएगा। तो गुरु बेटा सलाई का काम है, तो को मैंने कोई नहीं निकलेगा, ना निकलिए रोज रोड पर, को रो ना, को मैंने कोई नहीं, रो मैंने रोड पर, ना से ना निकलिए। तो बताइए कि हमको काम होगा, कोई काम नहीं होगा, और कोई काम नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से। तो इसके मिले हमारे सबसे पहले दुश्मन को मारना है, तो दुश्मन कौन है बेटा, विश्वभर में एक जीके तैयार, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है प्रश्न। सबसे पहले हमें को माने कोई, इसके लिए सबसे बड़ी ताकत है व्यायाम। तो इसमें सबसे पहला योम व्योम, सवेरे तरफ उठेंगे तब बच्चा को देखिएगा, ज्यादातर नाक में नेटा रहता है, वाटर नोज वाटर, उसको ये बंद करके बैठाइए, अब दोनों के ऐसे में 100 बार करेंगे, अंदर का भार झड़ जाएगा। इसको योम व्योम पहला व्यायाम करते हैं, और फिर सूती कपड़ा से अपने शरीर को नहाला के बाद गर्म पानी, हॉट वाटर, गर्म पानी से नहाला के बाद, अभी जाड़ा के मौसम में गर्म पानी नहाएंगे, और नहाला के बाद टोटल बदन को निखार के, और सबसे बड़ा पूजा शरीर पूजा है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ।